नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं एंड इट इज अबाउट द कंजर्वेशन लॉज इन पार्टिकल फिजिक्स। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिलेटेड विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। नाउ वी विल डील विद कंजर्वेशन लॉज। जो कंजर्वेशन लॉज हैं उसमें द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन दोनों की बातें हम बेसिक फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से करते आ रहे हैं और ये दोनों चीज़ें जो है वो कंजर्व रहती हैं इन ऑल टाइप ऑफ मोशंस, इन ऑल टाइप ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज, इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसके अलावा यदि हम न्यूक्लियर पार्टिकल लेवल पे बात करें तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। लेप्टॉन नंबर, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जितने भी लेप्टॉन्स होते हैं उनको हम एक लेप्टॉन नंबर असाइन करते हैं। लेप्टॉन है तो +1, यदि एंटी लेप्टॉन है तो -1, और यदि वो लेप्टॉन नहीं है तो 0। उसी तरह से बैरियॉन्स के लिए भी, यदि वो बैरियॉन है तो +1 और नहीं है तो -1, और अदर है तो 0। स्पिन, स्पिन भी हमने डिस्कस की थी कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरह से ओरिएंट करते हैं, कुछ क्लॉकवाइज कुछ एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम अप या डाउन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिन नंबर जो है मे बी हाफ इंटेग्रल मल्टीपल जैसे फर्मियॉन्स में होता है और इंटेग्रल मल्टीपल जैसे बोसॉन्स में होता है। जितनी भी स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उन सभी में जो है वो स्पिन हमेशा कंजर्व रहती है। उसके बाद आइसोस्पिन, दैट इज अ थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पिन, और हाइपरचार्ज। ये दोनों चीजें जो हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शंस में जो है वो कंजर्व रहती है। हम स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की बात करें तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो है ये स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शंस में जो है वो कंजर्व रहता है, मगर वीक इंट्रेक्शंस में जो है वो कंजर्व नहीं रहता है। और यहाँ पे इसकी जो वेरिएशन है डेल्टा एस, दैट इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, इट इज आइदर 0 और +-1। तो वीक इंट्रेक्शंस में जो है वो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कंजर्व नहीं रहता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो, वैसे तो सारे क्वांटम नंबर जो है वो कंजर्व रहते हैं मगर कुछ एक ऐसे हैं जैसे स्पिन है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन में ही रहता है, आइसोस्पिन और हाइपर चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होगा, वीक में नहीं होगा। यदि स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है तो वो भी वीक में जो है वो नहीं होगा। चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बैरियोन नंबर, ये सभी तरह के इंट्रेक्शन में जो है वो कंजर्व रहेंगे। अब इसके अलावा कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने पैरिटी की बात की थी कि वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो जो फंक्शन है वहां से हम पैरिटी की वैल्यू जो है -1 या +1 जो है हम लिखते हैं। यदि +1 है इसका मतलब हम इसको कहते हैं इवन पैरिटी, और -1 है इसका मतलब ऑड पैरिटी। और जो भी सिस्टम है ड्यूरिंग द इरेक्शन पैरिटी इज कंजर्व, टोटल नंबर ऑफ जो पैरिटी है डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती है। मगर ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जहां पे ये ट्रू नहीं रहता है, वहां पैरिटी जो है वो वेरी कर जाती है। तो पैरिटी जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो और ये एक मल्टीप्लिकेटिव, यदि हमारे पास सिस्टम है कोई तो जो टोटल पैरिटी होगी उस सिस्टम की वो हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। उसके अलावा जो बोसॉन्स की बात बताई थी, W+- या Z0 बोसॉन्स होते हैं, इनके केस में नो फिक्स्ड पैरिटी, जो पैरिटी की वैल्यू है यहाँ कोई फिक्स्ड पैरिटी की वैल्यू जो है इनके लिए नहीं होती। पैरिटी जो है वो जनरली स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शन में जो है वो कंजर्व रहती है, मगर वीक इंट्रेक्शन में जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो आपको ये याद रखना है कि पैरिटी स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व रहती है, वीक में कंजर्व नहीं रहती है। ये मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब यदि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास तो हम सभी की पैरिटी जो है उसको मल्टीप्लाई करके टोटल सिस्टम की पैरिटी जो है वो निकालते हैं। तो ये भी एक क्वांटम नंबर है जो पिछले काल मैंने डिस्कस किया था, इसकी कंजर्वेशन की बात भी हम करेंगे। उसके बाद चार्ज कंजुगेशन, चार्ज कंजुगेशन में यदि हमारे पास कोई सिस्टम है कोई इंट्रेक्शन है तो यदि हम पार्टिकल जो है उसको रिप्लेस कर दें, यदि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है और इफ दैट पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स एंटी पार्टिकल, इसको हम एंटी पार्टिकल को रिप्लेस कर दें, तो वो प्रोसेस जो है वो
सेम प्रोबेबिलिटी के साथ जो होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल, यदि हमारे पास कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स है दैट इज रिप्लेस बाय द एंटी पार्टिकल, मीन चार्ज कॉन्जुगेट, मतलब उसके चार्ज को यदि हम चेंज कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रोटॉन है और ये पाई नेगेटिव मिजोन है, ये एक रिएक्शन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिग्मा नेगेटिव प्लस के पॉजिटिव मिजोन, तो ये एक हमारे पास रिएक्शन है। यदि हम इसका चार्ज कॉन्जुगेट करें, मतलब इसको चेंज कर दें, तो ये पी था प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल पी बार, ये पाई नेगेटिव था तो यहाँ पे आ जाएगा पाई पॉजिटिव, ये सिग्मा नेगेटिव था तो सिग्मा पॉजिटिव, और ये के नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव था तो ये के नेगेटिव। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इन सभी के जो चार्जेस हैं उनको कॉन्जुगेट कर दिया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिया, तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं दे हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी सिस्टम में, इन दोनों बातों के होने की संभावना जो बराबर रहती है, और जो पैरिटी है इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंट्रेक्शन, पैरिटी भी कंजर्व नहीं रहती, और जो चार्ज कॉन्जुगेशन है ये भी वीक इंट्रेक्शन में जो है वो वॉयलेट करता है, कंजर्व नहीं रहता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शन होती हैं और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शन होती हैं उनमें चार्ज कॉन्जुगेशन जो है वो होल्ड करता है, ये कंजर्व जो है वो करता है। तो हमने पैरिटी की बात की, चार्ज कॉन्जुगेशन की बात की। नाउ नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मीन्स यदि कोई भी प्रोसेस जो अकर कर रहा है उस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उसको बैकवर्ड में हो जाए, या जो टाइम टी है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, मतलब माइनस टी कर दे, या ऐसे कह लो कि कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है और उसको आप बैकवर्ड में कर दें, तो उस केस में उस प्रोसेस के ऊपर जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम जो है टाइम रिवर्सल सिमिट्री कहते हैं, कि द सिमिट्री ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इफ टी इज रिप्लेस्ड बाय माइनस टी और फॉरवर्ड डायरेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसा हम लिखते हैं एक बेसिक इक्वेशन फोर्स की, एफ इट इज इक्वल टू एम सपोज डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी टी स्क्वेयर, एफ इज इक्वल टू एम ए जो है उस इक्वेशन में, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू माइनस एम इन टू जी। मान लीजिए कोई पार्टिकल है हमारे पास और ये पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मास एम है और इसकी जी की वैल्यू जो है वो ए जो होगा जी के बराबर होगा, और यहाँ पे बिकॉज इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो वी कैन टेक जेड की जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस इक्वेशन को यदि हम यहाँ पे पुट करें तो जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी और जो जेड की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी चीज को यदि हम चेंज करके देखें कि सपोज हमारे पास पार्टिकल है यहाँ पे एम, इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अब जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ए की वैल्यू जो है वो माइनस जी नेगेटिव में हो जाएगा, मगर वहीं जेड की वैल्यू जो है ऊपर की तरफ है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है या इक्वेशन है वो सेम रहेगी, उस इक्वेशन में कोई चेंज जो है वो नहीं होगा, एक बार जेड नेगेटिव है ए जी की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे में जेड पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों चीजें जो है वो इक्वेशंस को जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। मगर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कई बार जब क्योंस जो है वो पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव में डिके करते हैं तो वहां पर ये होल्ड नहीं करता, और ऐसा लगता है कि इट इज नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल जो है वो नहीं है, और जो टी है टाइम कंजर्वेशंस है ये कंजर्व करती है इन वीक इंट्रेक्शन, टी जो है इट होल्ड्स इन वीक इंट्रेक्शन। तो जनरली मैंने कहा कि तीन चीजें जो सी चार्ज कॉन्जुगेशन, पी पैरिटी और टी टाइम रिवर्सल, ये सेपरेटली जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शंस में, सी पी एंड टी ये स्ट्रॉन्ग इंट्रेक्शंस में और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रेक्शन में तो होल्ड करती हैं, मगर जो वीक इंट्रेक्शंस हैं उसमें सी और पी होल्ड नहीं करती, मगर जो टी है वो होल्ड करती है। तो इन तीनों चीजों को डिस्कस करने के बाद हम इनको कंबाइंड इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको सीपीटी थ्योरम कहते हैं, या कंबाइंड इन्वर्शन ऑफ सीपीटी थ्योरम। ऑल टाइप ऑफ इंट्रेक्शंस चाहे वो वीक है या स्ट्रॉन्ग आर इनवेरिएंट अंडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सी पी एंड टी टेकन इन द ऑर्डर। यदि हमारे पास कोई प्रोसेस है उसमें हम पहले चार्ज कॉन्जुगेशन लगाएं, फिर उसके ऊपर पैरिटी और फिर उसके ऊपर टाइम रिवर्सल, और इन तीनों को जो है इन ऑर्डर सीक्वेंस में यदि हम लगाते हैं तो वो जो इंट्रेक्शन है दैट रिमेन्स इनवेरियंट।
द कंबाइंड सिमेट्री ऑपरेशन इन विच एंटी मैटर मिरर इमेज ऑफ द सिस्टम इज रन इन रिवर्स अलाउड ए टेस्ट ऑफ सीपीटी इनवेरियंस। तो कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन है, कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसमें हम तीनों ऑपरेटर्स को या तीनों इन क्वांटम नंबर्स को अप्लाई करते हैं इन सीक्वेंस में, तो वो हमेशा जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब फिजिक्स में ये होता है कि इस दुनिया में जो कहीं भी कोई मैटर है तो उस मैटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एंटी मैटर भी अवेलेबल है, कि हर एक मैटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एंटी मैटर भी है। और साथ में यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जो मैटर का होगा और एंटी मैटर का होगा दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये पर्टिकुलर सिमेट्री सीम्स टू होल्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन इवन दो इट्स कंपोनेंट सिमेट्रीज समटाइम फेल्स इंडिविजुअली, कई बार अकेले अकेले जो है वो होल्ड नहीं करते हैं मगर ये कंबाइंड जो है वो होल्ड करते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक लॉ जो है वो कंजर्वेशन के बताए, एनर्जी और मास हमेशा कंजर्व रहता है, उसके बाद स्पिन जो है वो स्ट्रांग इंट्रैक्शन में कंजर्व रहती है, आइसोस्पिन जो है वो स्ट्रांग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में कंजर्व रहती है, फिर हाइपर चार्ज ये भी स्ट्रांग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व रहता है, स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व रहता है, सिर्फ वीक इंट्रैक्शन में कंजर्व नहीं रहता, और फिर मैंने चार्ज कंजुगेशन पैरिटी और टाइम रिवर्सल इन तीनों चीजों की बात। अब ये जितने भी हमने क्वांटम नंबर जो है वो डिस्कस किए इनके ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आता है। आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कोई प्रोसेस दिया होगा और आपको पूछेंगे कि भाई ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास नेगेटिव बीटा डीके प्रोसेस है और नेगेटिव बीटा डीके प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि क्वांटम नंबर जो है वो कैसे कंजर्व रहते हैं। नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोटॉन और इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो निकलता है। अब हम बारी बारी से देखेंगे, सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। देखिए यदि हम चार्ज की बात करते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो ये हो गया जीरो चार्ज, प्रोटॉन की बात करें इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस वन और इलेक्ट्रॉन की बात करें इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस वन और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो जीरो। तो ये प्लस वन और माइनस वन ये जीरो हो गया, मींस इस पूरी लाइन का चार्ज जो है वो नेट क्या आ गया जीरो और पहले भी क्या था जीरो, तो बोथ साइड इक्वल है, इसका मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व है। उसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं बैरियन नंबर, जो न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन है वो बैरियन है तो ये वन हो गया, जो प्रोटॉन है ये बैरियन है वन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वैरियन नहीं है और एंटी न्यूट्रिनो ये भी वैरियन नहीं है, प्रोटॉन की वैल्यू वन। तो आप देख रहे हैं तीनों को सम किया तो ये वन आ गया और पहले भी वन था और बाद में वन है, इसका मतलब ये कंजर्व है। उसके बाद यदि हम लेप्टॉन नंबर की बात करें, न्यूट्रॉन लेप्टॉन नहीं है ये जीरो होगा, प्रोटॉन भी लेप्टॉन नहीं है ये जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है प्लस वन होगा और एंटी न्यूट्रिनो ये माइनस वन होगा क्योंकि ये एंटी लेप्टॉन है। तो जब आप इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो आएगा और ये सेम हो गया। उसी तरह से यदि हम स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की बात करें तो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर न्यूट्रॉन स्ट्रेंज नहीं है जीरो और प्रोटॉन भी नहीं है जीरो और ये भी नहीं है और एंटी न्यूट्रिनो भी नहीं है तो इनका सम जीरो। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज की वैल्यू भी रिएक्शन से पहले और बाद में जीरो सेम है और बैरियन नंबर की भी सेम है, लेप्टॉन नंबर की भी सेम है, स्ट्रेंजनेस नंबर की सेम है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हमें दिया है ये फिजिबल है या बाइवल है, मतलब ये रिएक्शन जो है वो होगा ये ठीक है। उसी तरह से हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास है बीटा पॉजिटिव डीके। यदि हम बीटा पॉजिटिव डीके का प्रोसेस देखें तो इस प्रोसेस में जो प्रोटॉन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन और साथ में निकलता है पॉजिट्रॉन और साथ में लिखता है न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। सेम चीज यदि हम चार्ज की बात करें, ये प्रोटॉन है इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस वन, ये हो गया जीरो, इसका चार्ज प्लस वन और इसका चार्ज जीरो, तो पहले भी प्लस वन था बाद में भी वन है, इन तीनों को यदि आप ऐड करेंगे तो ये वन हो जाएगा, इसका मतलब ये ठीक है कंजर्व कर रहा है। यदि हम बैरियन नंबर की बात करें, जो प्रोटॉन है वो बैरियन है तो यहाँ पे वन हो गया,
न्यूट्रॉन वेरियन है, वन हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये भी ठीक है, इसका सम जो है वन आ रहा है, मीन्स कंजर्व कर रहा है। उसी तरह से यदि हम लेप्टॉन नंबर की बात करें तो इसमें लेप्टॉन नंबर लेप्टॉन नहीं है तो ये जीरो हो गया, ये लेप्टॉन नहीं है जीरो हो गया, जो पॉजिट्रॉन है ये एंटी लेप्टॉन है तो इसका माइनस वन, और ये न्यूट्रिनो जो है इसका वन, तो इन सभी का ऐड करेंगे तो ये जीरो आ गया, तो वो लेप्टॉन नंबर ये भी कंजर्व है। उसी तरह से स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की बात करें, ये स्ट्रेंज नहीं है, इनमें से कोई भी स्ट्रेंज नहीं है तो ये जीरो हो गया, तो इस केस में सभी की वैल्यू सेम आ रही है रिएक्शन से पहले और बाद में, इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये रिएक्शन जो है वो हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं जहां आपको एक रिएक्शन दिया होगा और ये बोला होगा कि आप देखो कि वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें पाई, दिस इज द पाई नेगेटिव प्लस पी प्रोटॉन, और यहां पे लैम्डा नॉट और साथ में पाई नॉट, ये एक रिएक्शन है। अब सेम चीज वैसे ही देखेंगे, पहले हम चार्ज से बात करते हैं, माइनस वन, इसका चार्ज है प्लस वन, लैम्डा नॉट का है जीरो और इसका भी जीरो, तो ये सेम है, मीन्स माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएंगे, चार्ज इज कंजर्व। अब हम बैरियन नंबर की बात करते हैं, बैरियन नंबर में ये बैरियन नहीं है, ये जीरो, ये बैरियन है तो वन, लैम्डा नॉट वेरियन है तो वन, ये नहीं है तो जीरो, ये बैरियन नंबर भी कंजर्व हो गया। उसके बाद लेप्टॉन तो ये कोई नहीं है, इसलिए लेप्टॉन नंबर की यदि हम बात करें तो ये सभी जो है वो जीरो होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी लेप्टॉन जो है वो नहीं है तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व कर रहा है। उसके बाद स्ट्रेंजनेस नंबर की बात करें तो जो पाई नॉट पाई नेगेटिव है ये स्ट्रेंज नहीं है तो जीरो, और यहां पे हमारे पास जो प्रोटॉन है ये भी स्ट्रेंज नहीं है तो ये जीरो, जो लैम्डा नॉट है इसके स्ट्रेंजनेस नंबर माइनस वन होता है, इसका जीरो होता है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेंजनेस नंबर है ये जीरो आ रहा है ऐड करके, यहाँ पे जीरो और इनका माइनस वन, तो स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, बाकी सारी चीजें ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेंजनेस नंबर इज नॉट कंजर्व। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जिसमें चार्ज और बैरियर नंबर तो कंजर्व है मगर एस जो है वो कंजर्व नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो फॉरबिडन है, ये पॉसिबल नहीं है या ये गलत है, इस तरीके से हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ कोलाइड करता है तो यहां से हमारे पास ये आ गया के, के पॉजिटिव, के मिजॉन और साथ में ये आ गया सिग्मा पॉजिटिव, तो सेम चीज उसी तरह से बात करते हैं, चार्ज इसका होगा प्लस वन, ये प्लस वन, इसका प्लस वन और इसका भी प्लस वन, तो चार्ज तो सेम है, ये बात सही है। यदि हम स्ट्रेंजनेस नंबर की बात करें तो ये स्ट्रेंज नहीं है, ये स्ट्रेंज नहीं है, ये जो है वो स्ट्रेंज है इसका प्लस वन, ये भी स्ट्रेंज है मगर इसकी वैल्यू जो है वो माइनस वन होती है स्ट्रेंजनेस नंबर की, तो इनको ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो दोनों तरफ जीरो जीरो सेम है, इसका मतलब ये कंजर्व करता है। यदि हम बैरियन नंबर की बात करें तो ये वन और ये वन और ये जो के हमारे पास है ये बैरियन नंबर नहीं है जीरो, सिग्मा बैरियन है इसका प्लस वन, तो यहां पर आ रहा है एड करके टू और जबकि यहां पे ऐड करके आ रहा है वन, इसका मतलब जो डेल्टा बी है बैरियन नंबर है इट इज नॉट कंजर्व, तो ये कंजर्व नहीं है। उसी तरह से यदि हम स्पिन की बात करें, आइसोस्पिन, आइसोस्पिन में इसकी हाफ, इसकी भी हाफ और यहां से केमिजॉन इसकी हाफ होती है और सिग्मा की वन होती है, तो आप देख रहे हैं कि जो आइसोस्पिन है ये भी यहां पर जो है वो कंजर्व नहीं हो रही है, इसका मतलब हुआ कि यहां पे बैरियन नंबर एंड आइसोस्पिन नंबर दे आर नॉट कंजर्व, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इट इज फॉरबिडन, इट इज नॉट अलाउड। तो जनरली एग्जाम में इस तरह की कोई इक्वेशन या कोई रिएक्शन आता है और उसको आपने जो है इस तरीके से चेक करके ये बताना होता है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या अलाउड है या अलाउड नहीं है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक रिएक्शन है,
पी दैट इज अ प्रोटॉन, इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव, और साथ में जो है हम ले लेते हैं यहाँ पे लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे आप देखेंगे या पाई नॉट, हम देखेंगे चार्ज, चार्ज की बात तो यहाँ पे वन है प्लस वन, इसका प्लस वन, इसका माइनस वन और इसका चार्ज जीरो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चार्ज नंबर है वो इसमें कंजर्व करना चाहिए, तो वो चार्ज नंबर जो है वो भी कंजर्व नहीं कर रहा है, तो डेल्टा क्यू जो है इट इज नॉट कंजर्व। उसके बाद बैरियर नंबर ले लो, तो बैरियर नंबर लिया तो ये वन है और ये सभी के जो बैरियर नंबर हैं ये बैरियर्स नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जो बैरियर नंबर है वो भी कंजर्व नहीं कर रहा है। आप लेप्टॉन नंबर ले लो, तो ये लेप्टॉन नहीं है जीरो, और ये भी लेप्टॉन नहीं है तो ये जीरो, और यहाँ पे ये पाई नॉट इट इज जीरो, और ये लेप्टॉन नंबर में ये कंजर्व जो है वो कर रहा है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, तो हमें चार्ज कंजर्व नहीं कर रहा है, बैरियर नंबर भी कंजर्व नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इट इज फॉरबिडन, दिस रिएक्शन इज नॉट अलाउड। आपकी बुक्स में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल दिए होंगे, आप उन एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग केसेस लेकर के, मगर इनको प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं क्या वो बैरियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनके लिए क्या क्वांटम नंबर जो है वो असाइन है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशंस लॉज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में मेरा आज का लेक्चर था। यदि ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।